नमस्कार, मैं आगरा शहर से मेघा अग्रवाल और मेरी कविता का शीर्षक है प्रश्नों के दलदल में फंसा कौन, समाज या हम। इस सवाल का जवाब आपको कविता के अंत में खुद ही मिल जाएगा। जिस समाज में रहते हम, वो अक्सर दो रूपों में बटा होता है। एक ओर देता शीतल छाव हमें, तो दूसरी ओर अपनी तपिश से हमारे बढ़ते कदमों को रोकता है। किसी और धर्म के आगे अपने धर्म की हुंकार शान से यहाँ हर कोई भरता है, फिर क्यों अपने उसी धर्म में जात पात का भेद हमें बचपन से सिखाया जाता है? क्यों जिंदगी के हर मोड़ पर आकर ये समाज हमें रोकता है? कभी लड़की के नाम पर, तो कभी संस्कारों की आड़ में ये हमें पीछे धकेलता है। आए दिन जो अखबार में छपती किसी जलन, किसी जिस्म की भूख और गंदी नीयत की खबरें, क्यों अखबार के उन कोनों पर ध्यान किसी का ना जाता है? सुर्खियों में होता कोई रेप मसला, तो क्यों सिर्फ कैंडल मार्च निकालकर हमें मौन किया जाता है? और इन वहशी दरिंदरों के लिए क्यों मानव अधिकारों का नारा लगाया जाता है? जिस समाज के घर में बेटी और बहू को लक्ष्मी माना जाता है, क्यों शादी के बाद हुई हर जबरदस्ती को उसके पति का हक माना जाता है? पाठ पढ़ाया जाता अब हर लड़की को आत्मनिर्भर और सशक्त बनने का, पर क्यों लड़कों को लड़की की इज्जत करने का संस्कार नहीं दिया जाता है? बाहर की हर गंदगी से बचाने हम सबको घर में रहने की हिदायत दी जाती है, पर हमें घर में बैठे राम के भेष में छिपे रावण के हाथों ऐसे ही क्यों छोड़ दिया जाता है? जिस लाल रंग को पूज कर करते सब उस खुदा को खुश करने की कोशिश, क्यों उसी रंग को एक औरत की अस्मिता की पवित्रता का आधार माना जाता है? यज्ञ अनुष्ठान करके जिस खुदा से हर वक्त कोई रहम की भीख मांगता है, क्यों उसी के अंश उन बेजुमानों को अपनी खुशी के लिए बेमौत मारा जाता है? गंदी नज़रों में देखा जाता रेड लाइट एरिया में काम कर रहे हर सेक्स वर्कर को, गंदी नज़रों से देखा जाता रेड लाइट एरिया में काम कर रहे हर सेक्स वर्कर को, फिर क्यों आए दिन जिस्म की भूख मिटाने को मासूमों का बचपन छीना जाता है? हर कोई मांगता है यहाँ अधिकार, पर अपने दायित्वों को भूल जाता है, फिर क्यों भ्रष्टाचार का सारा आरोप सरकार और सिस्टम पर लगाया जाता है? ख्वाब दिखाकर अच्छी नौकरी के हर बच्चे पर अच्छे मार्क्स का दबाव डाला जाता है फिर क्यों किसी स्टूडेंट की आत्महत्या पर खुद को नहीं बल्कि उसकी सोच को कसूरवार ठहराया जाता है? खुदा के जिस अंश के बगैर अधूरा होता हमारे यहाँ का हर शुभ काम, क्यों उन किन्नर वर्ग को हिंजड़ा कहकर अपमानित किया जाता है? खुदा की रजा पर जीने का अधिकार जब संविधान ने ही दिया है हम सबको, फिर क्यों समलैंगिकता के मुद्दे पर किसी को जीने से रोका जाता है? कुछ बाशिंदों के कारण ही समाज शांति की राह से हर बार भटक जाता है, फिर सहिष्णुता की आड़ में संप्रदाय को बेखौफ आगे बढ़ावा दिया जाता है। अपनी महत्वाकांक्षा के खाते क्यों हम इस हद तक गिर जाता है? जान गंवाते जो हमारी रक्षा को सरहद पर उनके अपनों पर अपनी गंदी सोच की कीचड़ उछालते हैं। आखिर किस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है हमारा ये समाज कि हमें हमारे ही दोगले चेहरों को पहचानने के लिए कोई अपनी जान यूं ही गंवा जाता है? शुक्रिया।